पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाने के घायल एएसआई रमेश सिंह के लिए पुलिस महकमा आगे आया है। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे एएसआई रमेश सिंह को अब तक सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एसपी राजीव रंजन सिंह की पहल पर विभाग ने निजी सहयोग से 1,55,000 रुपए जमा किया है। वहीं पुलिस मुख्यालय की ओर से भी 1,80,000 रुपए की मदद पीड़ित परिवार को दिया गया है। इस तरह से पुलिस महकमे ने अपने जख्मी साथी की मदद के लिए 3,35,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है। गौरतलब है कि जख्मी एएसआई का इलाज रांची के मेडिका चल रहा है। इस अस्पताल में इलाज का खर्च काफी ज्यादा है, इसलिए पुलिस महकमा अपने साथी की मदद के लिए सामने आया है। 35 पुलिस पदाधिकारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया और लगभग 200 पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार दिया गया है। सर दूसरा आज के लिए गए हैं उनको पुलिस परिवार पुलिस के तरफ से हमें और खास करके मेरे तरफ से उनके इलाज पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अभी उनकी इलाज मेडिका में चल रही है। कल उनका ब्रेन का सर्जरी हुआ है, जो हेड में काफ़ी इंजुरी था उनका, उसका रिपेयर हुआ है। तो चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खर्च काफ़ी आते हैं, इसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी जो योगदान दिया गया है वो राशि आज उनके अकाउंट में चला गया है। इसके अलावे जो खर्च है उसको मीट करने के लिए आज सभी यहाँ के पुलिस पदाधिकारीगण अपने में मीटिंग करके और सब लोग सहयोग राशि जिनसे जितना बन पड़ा वो दिए हैं, ये सहयोग राशि भी उनको दी जाएगी। अभी जो जानकारी मिली है रांची से अपडेट, वो खतरे से बाहर है। ये तो भला है पुलिस महकमा अपने जख्मी अधिकारी की आर्थिक मदद के लिए सामने आ गए, वरना उन्हें बेहतर इलाज मिल पाना भी मुश्किल होता। बीते 26 जनवरी को लिट्टीपाड़ा चौक पर भीड़ ने पुलिस के प्राइवेट वैन को तोड़ फोड़ करते हुए आगजनी की थी। उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था। इसी दौरान एएसआई रमेश सिंह पर पत्थर और लाठी डंडे से हमला बोल दिया गया था। इस हमले में एएसआई रमेश सिंह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जख्मी हालत में उन्हें धनबाद के एमपीसीएच में भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए अभी मेडिका रांची में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस महकमा की आर्थिक मदद से घायल एएसआई का इलाज चल रहा है। सोरेन सरकार को भी आगे आकर पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए और पुलिस पर हमला करने वाले अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं होगी तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पाकुड़ से नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट।